जो जीवादिक तत्वों को आप जानता है उन्हीं के विशेष प्रणालियों में किए हैं, वहां कितने विशेषण तो यथावत निश्चय रूप है, कितने उपचार से व्यवहार रूप है, कितने द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के स्वरूप प्रमाण आदि रूप है, कितने निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सहित इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं, उन्हें जो का त्यों मानता हुआ उस करणानियों का अभ्यास करते। क्या कहा यहाँ पे, जो जीव तत्वज्ञानी नहीं है वो तो इसके अभ्यास से तत्वज्ञान के सम्मुख होता है, तत्वज्ञान में रुचि बढ़ती, धर्म में उपयोग मतलब धर्म के सम्मुख होता है और उपयोग उसमें रम जाता है, तत्काल धर्म की प्राप्ति होती है, जिनमत का श्रद्धा नहीं होता। ये तो पिछले पैराग्राफ में बता दिया आपको, पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था ना अपन ने कि जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, जीवों के गुणस्थान वर्णन आदि विशेष कर्म के कारण अवस्था फल वगैरह और तीन लोक के अंदर स्वर्ग नरक के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं और इसे विचार में उपयोग रम जाए तो पाप प्रवृत्ति छूट कर स्वयं में तत्काल धर्म उत्पन्न होता है और इसके अभ्यास से तत्वज्ञान की प्राप्ति भी शीघ्र होती है और ऐसा सूक्ष्म निरूपण जिनमत में ही है, अन्य तो नहीं है, इस प्रकार महिमा जानकर जिनमत का श्रद्धा नहीं होता। ये तो बात होती है। अब उन्होंने कहा जिन्होंने तत्वज्ञान कर रखा उसके लिए कार्यकारी है कि ये लोग मतलब ये प्रश्न उठता है, हर अनियोग के अंदर उन्होंने दिया कि भाई ये ऐसा नहीं है कि केवल प्रारंभिक भूमिका वाले ही जो तत्वज्ञान का अभ्यास कर चुके हैं उनके लिए भी कार्यकारी, उनके लिए कैसे कार्यकारी है, जो जीव तत्वज्ञानी होकर इस करणानियों का अभ्यास करते हैं उन्हें या उसके विशेषण रूप भाषित होता है। किसके विशेषण, जो तत्वज्ञान पढ़ा है, तत्व पढ़े हैं, तत्व के सब विशेषण है। जैसे उदाहरण के लिए जीवादि तत्वों पर जाने तो जीवादि तत्वों को आप जानता है उन्हीं के विशेष करणानियों को किए। मैंने एक सामान्य पढ़ा कि जीव चैतन्य स्वरूप है, करणानियों में उस चैतन्य स्वरूप जीव को 14 गुणस्थानों के द्वारा समझाया, जीव ही तो समझाया है, जीव से बाहर तो नहीं गए, मतलब उससे जीव को ही समझने में मदद मिलती है। 14 मार्गों के द्वारा जीव समझा तो भी हमने जीव को ही समझा, अजीव के अंदर पुद्गल को समझा, पुद्गल की वर्गणाओं को समझा, तो अजीव क्या है उसकी विशेष पहचान, तो कहते हैं इससे जीव और अजीव की विशेष पहचान। आपने जो द्रव्यादियों में पढ़ा हुआ सामान्य कि भाई ये है ऐसा है ऐसा है, और ये करणानियों उसी सामान्य के विशेष भेद प्रभेद करके बारीकी से पूरा निरूपण करते, समझ में आ रही बात, ये विशेष भेद प्रभेद से वो सामान्य जीव चैतन्य स्वरूप है और वो चैतन्य स्वरूप जीव किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, कैसा कैसा है, उन सबका वर्णन करना नहीं होता है। द्रव्यानियोग इतना नहीं करेगा, द्रव्यानियोग तो एक ही बात कहेगा जीव तो सदा चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप जीव है, करणानियोग ज्ञान दर्शन का तो खोलेगा तो देखा ज्ञान के कितने भेद बोले आप, दर्शन के कितने भेद चार, एक एक और भेद मत ज्ञान के कितने भेद बोले 336, ये सब करणानियोग का काम। द्रव्यानियोग इतने डिटेल करते ही नहीं क्योंकि द्रव्यानियोग का तो ये कहना है कि हमें तो केवल जीव को इतनी श्रद्धा करानी है कि तू चैतन्य स्वरूप, तू ज्ञान स्वरूप है। लेकिन किसी व्यक्ति का जिसकी बुद्धि अच्छी है तो कहते ज्ञान स्वरूप तो ठीक हूँ, लेकिन ज्ञान का कैसा स्वरूप है, तो ज्ञान का स्वरूप खोल के बताओ, तो फिर वो ज्ञान का स्वरूप पूरा खोल देता है। क्या सब तरह के शिष्य है, कोई को संक्षेप भी है, संक्षेप भी बहुत है, किसी को विस्तार से समझना, क्या जिसको विस्तार समझना तो संक्षेप में तो उसने समझ लिया, फिर उसमें उपयोग भी लगता। जैसे बार बार पढ़े चेतन जीव चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप उपयोग नहीं लगता, तो फिर वो चैतन्य के विशेषण बताए तो चेतन में दर्शनोपयोग, एक चेतन के दो भेद हैं दर्शन और ज्ञान, ज्ञान के भेद वो पूरा ज्ञान का खुलासा कर दे, एक ज्ञान मार्गणा के द्वारा दर्शन मार्गणा के द्वारा, तो पढ़ने में आनंद आता और अपनी जो है महिमा विशेष भाषित होती कि मैं कितना अद्भुत पदार्थ। ज्ञान मारणा गोमट सार जीवन कांड में ज्ञान मारणा सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा विस्तार है, तो एक ज्ञान का स्वरूप खोला कि ज्ञान का क्या स्वरूप, ठीक है, तो है ये सब बढ़िया चीजें, ज्ञान का दर्शन का, दर्शन का क्या स्वरूप। अध्यात्म तो मतलब अध्यात्म जो है उसमें दो बातें, एक तो वस्तु का सामान्य स्वरूप बताता है, दूसरा वो अन्य मतों को ध्यान में रख के करता है। जैसे अन्य मत यदि वो ये मानते हो कि जीव अचेतन है क्षणिक है तो वो उन सबका खंडन मंडन करते हुए निरूपण करेगा। हाँ, और ये करना नहीं हो तो जैन मत का श्रद्धा तो है ही, और विशेष जानना
उसको विशेष विशेष रूप से निरूपण करेंगे। इसमें मतों का खंडन वंडन कुछ नहीं होता, क्योंकि ये कर्णादियों के मान के चला जाता है कि कर्णादियों जैनी के अलावा कोई पढ़ेगा नहीं, जैनी नहीं पढ़ रहे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा उसे। द्रव्यादियों तो सबके लिए ओपन टू ऑल, क्योंकि उसमें पूरा न्याय युक्ति तर्क है लॉजिक, तो वो कोई भी पढ़े उसके। देखो तो जीवादि तत्व को आप जानता है, उन्हीं के विशेष मैंने भेद कर्णादियों में किए हैं, वह कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप जैसे है वैसे के वैसे, कितने ही उपचार से व्यवहार रूप है, मैंने उपचार से व्यवहार रूप जैसे जीवों को मनुष्य कहना तीन इंच देव नारकी कहना ये व्यवहार रूप है। निश्चय रूप तो क्या है जीव का चैतन्य स्वरूप, अब वो क्या करता है देव और आत्मा को मिला के भी निरूपण करता है, समझा रहा है ना। जीव संसार अवस्था में क्या क्या किस किस रूप में पाया जाता है, जीव एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि में, गतियों में, काय में, योग में, वेद में, कषाय में, तो अब ये है व्यवहार निरूपण। जीव गति रूप नहीं है लेकिन संसार अवस्था का स्वरूप बताने के लिए व्यवहार से निरूपण करता है, वो समझ जाओ कि व्यवहार निरूपण है यथार्थ नहीं। यथार्थ तो जो अध्यात्म कहेगा कि जीव जुदा है उद्गल जुदा हुआ, लेकिन भाई जो अपने को समझना होगा जीव को तो समझना तो देह की सापेक्षता से ही समझेंगे ना, वो तो एक बार भेद विज्ञान करने के लिए तो एक बार में आ गई बात समझ कि ये अलग है ये अलग है, लेकिन संसार अवस्था में कैसा है तो देह की सापेक्षता से समझेंगे कि जीव देह कौन कौन से देहों में पाया जाएगा, किन किन इंद्रियों में पाया जाएगा, किन किन काय में पाया जाएगा ऐसा। इसलिए सब अपेक्षा समझना जरूरी है, बहुत कहाँ निश्चय निरूपण है, कहाँ व्यवहार है, कहाँ किसकी आवश्यकता है, कहाँ किसकी आवश्यकता है, सब आचार्यों ने निरूपण किया। कितने तो निश्चय जैसे वैसे की वैसे ही बिल्कुल एज इट इज है, माने वो निश्चय निरूपण है, और कई विशेष कई उपचार से व्यवहार रूप है। उपचार से व्यवहार रूप माने दो द्रव्यों को मिला के कथन किया है, कहीं दो द्रव्यों को भिन्न भिन्न कथन किया है, कहीं दो द्रव्यों को मिला के कथन किया, जैसे जीव मनुष्य तो दो द्रव्यों को मिला के कथन, जीव मनुष्य नहीं है, उद्गल और जीव दोनों की मिली जुली अवस्था का नाम मनुष्य है। तो इस तरह से भी कहेगा मनुष्यों की इतनी संख्या है, तिरंचों की इतनी है, देवों की इतनी है, नारकियों की इतनी है, तो कोई निश्चय वाला कहेगा अरे तो वो कह रहा है कि भाई इसकी शैली दोनों तरह की है, ये निश्चय से भी निरूपण करता है व्यवहार से, क्या जैसे गतियों का निरूपण किया तो व्यवहार से किया, और निश्चय से निरूपण करेंगे तो जीव कितने हैं अनंत, तो ये निश्चय निरूपण है क्योंकि जीव उतना ही है, उपद्गल उतना ही है, धर्म धर्म काल उतना ही है, आकाश उतना ही है, दोनों प्रकार से निरूपण है इसमें निश्चय से भी व्यवहार से। तो कुछ निरूपण तो यथावत निश्चय रूप है और कितने उपचार से व्यवहार रूप है, कितने ही द्रव्य छेद काल भाव आदि के स्वरूप प्रमाण आदि रूप है, मतलब द्रव्य का निरूपण जैसे पूछेंगे कि इसमें कितने स्कंद है, इसमें इतने स्कंद है, तो इससे ज़्यादा स्कंद किसमें है, इससे ज़्यादा स्कंद किसमें है, जैसे अपने शरीर होते हैं ना तो कौन से शरीर में कितने स्कंद है, औदारिक शरीर में कितने स्कंद, कितने परमाणु हैं, यकृत में कितने परमाणु हैं, आहारक में कितने हैं, तेजस में कितने हैं, कार्बन में कितने हैं, सबका निरूपण है इसमें कितने ज़्यादा औदारिक से व्यक्रियक में असंख्यात औदार अपन पढ़ते ना, प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राप्ति सात अनंत गुणे परे, तो औदारिक से व्यक्रियक में असंख्यात गुणे परमाणु है, व्यक्रियक से आरक में असंख्यात गुणे परमाणु, आरक से तेजस में अनंत गुणे हैं, और तेजस से कारमान में और अनंत गुणे परमाणु, ये सब निरूपण करता है करना। अपना शरीर का गुण बताता कितने परमाणु है इसमें, इससे ज्यादा व्यक्रियक के शरीर में, जबकि व्यक्रियक शरीर सूक्ष्म है पर अपना शरीर स्थूल है, अपना दिखेगा उसका दिखेगा नहीं और परमाणु उसमें ज्यादा, कार्मण शरीर आठ कर्मों का समूह कार्मण शरीर, जब जीव जाता है मरता है तो वो शरीर जाता है साथ, वो दिखता नहीं किसी, ये जो है ये दिखता है कार्मण और तेजस शरीर जाते हैं और दोनों ही दिखते नहीं, और दोनों में इस शरीर से अनंत गुण परमाणु सूक्ष्म रूप पढ़ना ना उसका पढ़ना सूक्ष्म दिखाई दे, तो ये सब बातें करना ही बताता है। पर ये है कि ये इन सब का श्रद्धान होने के पहले उसको तत्व ज्ञान अध्यात्म का अभ्यास होगा तो वो इसका श्रद्धान करेगा, ये तो समझेंगे ये सब कोरी गप्पे हैं, ऐसा हो सकता है जो दिख रहा है उसमें कम परमाणु और जो नहीं दिख रहा है उसमें अनंत गुणे पड़ो, ऐसा होता है कई बार, ऐसा हो सकता है 10 लीटर पानी वो निकल जाए छन्ने से और 1 ग्राम मिट्टी रुक जाए,
नहीं हो सकता ऐसे, सूक्ष्म रूप परिणाम होता है ऐसा, इनका इस रूप परिणाम होता है कि वो इतने ठोस होते हैं लेकिन चाक्षु इंद्रिय के गम्य नहीं होते, इतना मतलब इनके अंदर डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है। स्थूल भेद विज्ञान के लिए कार्य करना, भेद विज्ञान के ऊपर बल देता, और ये जो है ये कहता है कि भेद विज्ञान भी और मजबूती से दृढ़ता है उसके लिए। कितने तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के स्वरूप सही थे, मैंने कितने होगा तो बिल्कुल इतने द्रव्य से, जैसे जीव का क्षेत्र कितना असंख्यात प्रदेश, काल कितना अनादि अनंत, भाव कितना अनंत गुण, द्रव्य क्या है जीव द्रव्य है, जैसे पुद्गल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मैंने हर एक चीज के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से निरूपण करता है, तो कितने तो प्रमाण आदि रूप है, मैंने प्रमाण मैंने जैसे कि कितने ही है, और कितने निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सही थे, निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा मतलब किसी निमित्त की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा से, इसकी अपेक्षा से, जैसे मनुष्य पर्याय की आयु कितनी है, अधिक से अधिक कर्म भूमि है 1 करोड़ करोड़ की, तो वो शरीर शरीर की शरीर की अपेक्षा सही कर ना, मनुष्य की अधिक से अधिक आयु कितनी है, तो ये एक शरीर की सापेक्षा सहित कथन है, और जीव की आयु कितनी है अनादि अनंत, इसमें निमित्त की सापेक्षा नहीं, और ये केवल प्योर जो जीव द्रव्य उसकी है, और ये शरीर की सापेक्षा सहित कथन है, तो दोनों प्रकार का कथन मिलेगा, मैंने जीव रियल द्रव्य का भी और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ मिला के जैसे दोनों प्रकार से निरूपण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी निरूपण है, किसी वस्तु का जैसा का तैसा और किसी आश्रय आदि की अपेक्षा से निरूपण, इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपित किए हैं, उन्हें ज्यो का त्यों मानता हुआ उस कर्णानियों का अभ्यास करता है। तू तो भेद विज्ञानी है, तो तेरे पढ़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों, क्योंकि तू जो करती हो समझ जाएगा कि यहाँ व्यवहार से निरूपण किया है, निश्चय से निरूपण किया है, बराबर नए लगा के तो समझ लेगा, और इसलिए कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और बल्कि तत्व ज्ञान और निर्मल हो जाएगा। देखो क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चार चीजें, तो द्रव्य माने वस्तु, संपूर्ण वस्तु को कहते द्रव्य, संपूर्ण वस्तु, तो संपूर्ण वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय सब शामिल है, माने उसमें शुद्धाशुद्ध समस्त पर्यायों का समूह, उसका नाम है जीव द्रव्य, समस्त पर्याय शुद्ध अशुद्ध सब, तो समस्त पर्यायों का समूह जीव द्रव्य। और अब हम कहते हैं जैसे जीवास्तिकाय, अस्थिकाय कहा मैंने काय मैंने बहुप्रदेशी की अपेक्षा, मैंने बहुप्रदेश मैंने असंख्यात प्रदेशी, तो क्षेत्र की अपेक्षा हो, जीव पदार्थ, पदार्थ की उम्र कितनी है अनादि अनंत, एक काल की अपेक्षा हो, और जीव तत्व, जीव तत्व माने जो जीवपना है, जीवपना मैंने जो भाव, जीवत्वपना, जीवपना चेतनपना, तो चेतनपना भाव अच्छी, तत्व भाव अच्छी, क्योंकि तत्व उसको कहते हैं तत् का त्व, तत् माने जो भी वस्तु है, और त्व माने उसका भाव, तत्व तत् का त्व, वस्तु का जो त्व माने भाव है वो तत्व है, तो जीव का भाव माने चेतनपना, तो वो चेतनपना जो उसका त्रिकाली स्वरूप है, माने वो शुद्धा शुद्ध पर्याय नहीं आएगी उसमें, वो जो त्रिकाली स्वभाव है उसका चेतनपना वो तत्व है, और जिसमें शुद्ध अशुद्ध सब पर्याय है, रागादि भाव भी सब शामिल है, वो द्रव्य, तो जीव तत्व में तो खाली चेतन रूप आता है बस, उसमें अशुद्ध पर्यायों शुद्ध पर्याय का नाम ही निशान नहीं, वो तो जो अव्यक्त रूप जो द्रव्य है, अव्यक्त रूप द्रव्य मतलब जो पर्यायों में व्यक्त नहीं होता, जो जो जिस जिसको कहें जो अव्यक्त रूप से जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव वो है, वो जीव तत्व है, त्रिकाली रूप चैतन्य रूप, और चैतन्य कभी शुद्ध होता नहीं कभी अशुद्ध होता नहीं, तो सदाकाल एक रूप है, वो जीव तत्व है, और जिसमें सब तरह की रागादि भाव की केवल ज्ञान की सब तरह की पर्याय है सब मिला के वो जीव द्रव्य, और अस्थिकाय है मैंने जीव को क्षेत्र की तरफ से होता है, पदार्थ बोला काल की तरफ से, जैसा जहाँ जो शब्द उपयोग होगा अपन उसको वहां से ले लेंगे पकड़ेंगे।
ऐसा जीव पदार्थ मतलब काल की तरफ काल ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की तरफ से निरूपण जीव द्रव्य की वास्तविकता है जीव पदार्थ जीव तत्व ये सब पढ़ना प्योर है।